हाय फ्रेंड्स, एडुकेशन आईक्यू में आपका फिर से स्वागत है। मैं सागर आज आपके सामने लेके आया हूँ दो आइसोमेट्रिक व्यू, जिसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम लोग ऑर्थोग्राफिक में कैसे दिखाते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे दिखाएंगे। फिर आपको मैं आज बताऊँगा कि सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बहुत सारे सिम्बल्स को मैं आपको बना के दिखाऊँगा और उसका मतलब क्या है उसे भी मैं समझाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा है कि सर जल्दी ही फिटर ट्रेड की क्लासेस लेना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक से दो दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। जो भी फिटर ट्रेड से हैं, टर्नर ट्रेड से हैं, मैकेनिकल से हैं या मशीनिस्ट से हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जल्दी ही मैं एक से दो दिन में आपकी क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। और जिससे भी कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट में अपना कमेंट जरूर डालें, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो वो भी आप लिख के डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हम डायग्राम की तरफ। तो ये क्या है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है, जिसे हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट जिसे हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखाना है, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, टॉप में होता है, फ्रंट नीचे होगा और आपका राइट साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू में होगा, ठीक है। अब देखिए, टॉप को हमको देखना, अगर इसके ऊपर हम चले जाएंगे देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो हमें ये लकीर पहले दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, ठीक है। तो पहले हम इसे बनाएंगे ये, ठीक है। फिर ये दोनों बनाते हैं, ये हो गया ऐसे कुछ इस तरह, ठीक है। फिर ये लाइन दिखेगा, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा ना, आपस में टैली कर जाएगा। तो ये लाइन दिखेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया। फिर आपको ये दिखेगा, ये और ये, फिर ये दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा, ठीक है। तो टॉप व्यू आपका कैसा हो गया, देखिए टॉप व्यू ये दिखेगा, ये वाला जो है ये टॉप से आपको दिखेगा, ठीक है, और ये टॉप से आपको दिखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका टॉप व्यू हो गया। अब अगर आप फ्रंट से देखिएगा, इस साइड से देखिएगा, तो आपको ये पोर्शन दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है, ये पोर्शन दिखेगा और ये वाला दिखेगा, ये पोर्शन, ठीक है। तो जब देखेंगे तो ये लाइन एक देंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, ये हो गया ये लाइन के लिए, फिर ऐसे ही, फिर ये हो गया, ठीक है। फिर आपका फ्रंट में एक और दिखेगा लाइन ऐसी, टॉप और फ्रंट कुछ सिमिलर दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर वाला हो गया टॉप व्यू और नीचे वाला क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। और फिर जब हम इस साइड से देखेंगे, राइट साइड से अगर हम देखते हैं, ठीक है, राइट साइड से व्यू देखेंगे तो राइट साइड में ही बनेगा। तो राइट साइड में बनेगा तो कैसा बनेगा, देखिए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बनेगा, ये जो है ये पोर्शन, ये बनेगा, मतलब इस तरह से, ये आपका राइट साइड हो गया। तो राइट साइड व्यू आपका यहाँ बनेगा, तो ये हो गया आपका राइट साइड व्यू। तो क्या हो गया, सबसे पहले हम इस ऊपर में क्या बना दिए, टॉप व्यू बना दिए, टी व्यू बना दिए, फिर आपका बना दिए फ्रंट व्यू बना दिए, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड व्यू हो गया, राइट हैंड साइड व्यू हो गया। तो किसका हो गया, ये जो फिगर था आइसोमेट्रिक में, इसे हम ऑर्थोग्राफिक में दिखा दिए, वो भी किस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखा दिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये फिगर के बारे में। देखिए, इस फिगर को हमें क्या दिखाना है, ये भी आइसोमेट्रिक फिगर है, इसे हमें दिखाना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिखाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है, ठीक है, और राइट हैंड साइड व्यू जो होता है, राइट हैंड साइड का व्यू, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। तो यहाँ आपका राइट हैंड साइड का व्यू हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड का व्यू मतलब इस साइड से अगर हम देख रहे हैं, इस साइड से, तो ये राइट साइड का व्यू हो गया, और दिखेगा आपको कहाँ, लेफ्ट साइड में दिखेगा, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में दिखेगा, लेकिन होगा क्या, राइट हैंड साइड व्यू होगा, ठीक है। देखिए, अब
पहले हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना देते हैं, ठीक है। तो टॉप व्यू अगर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए टॉप व्यू में देखेंगे तो हमको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। टॉप व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो फिर ये दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा और ये दिखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो पहले सबसे पहले ये बना लेते हैं टॉप व्यू में। सबसे पहले हम टॉप व्यू ये हो गया, ठीक है। फिर आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हो गया, इसके लिए हो गया। और फिर एक और ये है स्लॉट, ये वाला, ये एरिया हो गया इसके लिए, ये एरिया इसके लिए, ये ऐसा आपको टॉप व्यू दिखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब फ्रंट से अगर देखिएगा तो आपको फ्रंट से क्या दिखेगा, आप फ्रंट से अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा ये वाला, ये दिखेगा फ्रंट से, यहाँ तक दिखेगा आपको फ्रंट से, ठीक है। फिर आपको फ्रंट से ये दिखेगा, ये वाला, ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है। तो फ्रंट से आपको क्या दिखेगा, फ्रंट से आपको फ्रंट से आपको ये दिखा, इसके लिए ये दिखा, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये एरिया जो है, ये एरिया, ये आपको फ्रंट से दिखेगा, ठीक है। फिर आपको कौन सा एरिया दिखेगा, ये एरिया दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, ये ऐसे 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 दिखेगा फ्रंट से। देखिए कुछ इस तरह दिखेगा फिगर आपको, जो फ्रंट से आप देखिएगा तो, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड से व्यू देखेंगे, राइट हैंड साइड से व्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा कहाँ, लेफ्ट साइड में दिखेगा। अब व्यू बनेगा कैसे, व्यू देखो, ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है, ये पोर्शन दिखेगा। और फिर कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा आपको, ये वाला, ये पोर्शन, और फिर आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये पहले बनाइए, ये बनाएंगे, ये एरिया बनाएंगे तो ऐसे, ये हो गया आपका, ये दिखा रहा है। जब हम राइट साइड से देख रहे हैं तो आपका व्यू कहाँ बनेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब राइट हैंड साइड से देखते हैं तो उसका व्यू बनता है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसलिए हम राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो व्यू कहाँ बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं तो ये दिखा, फिर उसके बाद क्या दिखेगा, ये दिखेगा, उसके बाद आपका ये दिखेगा, ये अब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, ये आपका इसके लिए आ गया, ये डायग्राम के लिए, ये एरिया के लिए आ गया। फिर इसके ऊपर ये दिखेगा आपको, फिर इसके ऊपर ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो समझ में आया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड व्यू हो गया जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये क्या था, ये आपका था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था, एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अब हम किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को कैसे हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट एंगल हो, चाहे वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो, उसमें कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको और भी फिगर्स और भी डायग्राम को अगर आपको देखना है कैसे उसका व्यू बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक में, तो आप कॉमेंट्स में डालिए, तो मैं आपको और भी वीडियोस में बना के दिखाऊंगा कि कैसे किसी आइसोमेट्रिक फिगर को ऑर्थोग्राफिक में बना के समझाते हैं या बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम कुछ इंजीनियरिंग सिंबल्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम, अगर कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कोई भी ड्राइंग है उसमें अगर SHR लिखा हुआ है, SHR, तो इससे हम समझते हैं कि वो स्फेयर को दर्शा रहा है, ठीक है।
अगर किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैपिटल आर लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब है रेडियस होगा या त्रिज्या, ठीक है। अगर ड्राइंग में फाई लिखा हुआ है तो फाई से हम समझेंगे वो व्यास को दर्शा रहा है, डायमीटर को दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, इसका ऐसे, ये लीडर लाइन हो गया, लीडर लाइन है, ठीक है, लीडर लाइन, यह लिखा हुआ है फाई 20। देखिए इससे क्या मतलब समझते हैं, इससे मतलब यही समझते हैं ये क्या दे रहा है, डायमीटर दे रहा है, किसका, ये सर्कल का जो डायमीटर है, ये क्या हो गया, डायमीटर दर्शा रहा है कितना है, 20 mm का डायमीटर है, 20 mm, इसे ये हम समझेंगे, ठीक है। अगर देखिए ये SQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है वर्ग, ये कोई भी डायग्राम हो उसके बगल में SQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, वो वर्ग डायग्राम है, स्क्वायर है। H6 लिखा हुआ है तो ठीक है, हम क्या समझेंगे कि सुराख H के टॉलरेंस का ग्रेड 6 mm है। मान लीजिए कोई भी सुराख ये है, ये हम ड्रिल किए हैं, छेद किए हैं ड्रिल मशीन से, ठीक है ना, तो इसका टॉलरेंस 6 mm, मान लीजिए 20 mm का, यही छोड़िए ना, यही 20 mm का ये है, ड्रिल किए हम लोग हैं, ठीक है, तो ये सुराख है, इसमें दिया हुआ 6 mm का टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसमें शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि टॉलरेंस अगर बोल रहा है तो 20 mm अगर इसका डायमीटर है तो 6 mm ऊपर भी जा सकते हैं, 6 mm नीचे भी जा सकते हैं, मतलब अगर 26 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर -6 कर दें 14 mm भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। टॉलरेंस मीन्स वही होता है कि 6 mm तक टॉलरेंस चलेगा, 6 mm तक ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही है लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है वो समझा रहा हूँ। S6 कह रहा है मीन्स सुराख H के टॉलरेंस का ग्रेड 6 mm है, मीन्स अगर 6 mm कम भी कर दे तो चलेगा, 6 mm ज़्यादा भी कर दे तब भी चलेगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। A5, अगर आपको टॉलरेंस नहीं समझ में आया तो मैं जब ट्रेड के बारे में बताऊंगा ना उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझाऊंगा कि टॉलरेंस होता क्या है। A5 होता है एंगल जिसका डिग्री क्या है, 5 degree है। दोस्तों बात करते हैं CBR, जिसे हम काउंटर बोर कहते हैं, काउंटर बोर के बारे में। अगर किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में CBR अगर लिखा हुआ है तो उसे क्या हम समझेंगे, काउंटर बोर हमें करना है, ठीक है। तो काउंटर बोर होता कैसे, देखिए ड्रिल मार लिए, मान लीजिए 6 mm का, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, काउंटर बोर करेंगे, इस तरह से करेंगे काउंटर बोर, ठीक है, इस तरह का काउंटर बोर होता है, ठीक है। काउंटर बोर टूल से पहले हम ड्रिल मार लेते हैं, फिर काउंटर बोर टूल से इसको काउंटर बोर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया काउंटर बोर, ठीक है, ये आपको हम दिखा रहे हैं ना, तो सेक्शनिंग करके दिखा रहे हैं, कटिंग करके किसी मटेरियल को दिखा रहे हैं कैसा आपका दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं CS के, मशीनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्लियरली बताऊंगा, खाली आप डायग्राम को समझ लीजिए काउंटर बोर कैसे करते हैं। फिर देखिए CSK हो गया, जिसे हम कहते हैं काउंटर सिंक, अगर CSK लिखा हो तो उससे समझेंगे क्या, काउंटर सिंक करना है, होगा सेम ही इसी तरह होगा, खाली उसमें क्या करेंगे, लास्ट में एंगल पे हो जाता है, चैम्फर टाइप का हो जाता है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, ये हो गया क्या आपका काउंटर सिंक हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं PCD, जिसे कहते हैं पिच सर्कल डायमीटर कहते हैं। अगर कोई गियर्स की बात करें, गियर्स क्या करता है, मोशन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए गियर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो देखिए इसमें जो ये है, ये पिच हो गया, तो पिच, एक पिच से दूसरे पिच की दूरी जो होती है उसी को PCD कहते हैं, पिच सर्कल डायमीटर कहते हैं। पिच सर्कल डायमीटर PCD हो गया, ठीक है। अगर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में HEX लिखा हुआ है तो उसे हम क्या समझेंगे, हेक्सागनल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं अगर चार होल्स लिखा हुआ है, 4 holes डायमीटर 6, इसका मतलब होता है 4 सुराख जिनका डायमीटर क्या होगा, 6 mm, मतलब कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसमें हमें क्या करना है, 4 hole करना है, 4 drilling करना है, और कितने mm का ड्रिल करना है, 6 mm का 4 drill करना है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो उसे हम यही समझेंगे। अगर लिखा हुआ है डाया 25 डीप 40 mm, मतलब 25 mm का व्यास व गहराई कितना है, 40 mm, मतलब अगर आपको कोई ये दिया हुआ उसी तरह ऑब्जेक्ट दिया हुआ या जॉब दिया हुआ उसमें हमें क्या करना है, डाया 25 डीप, टायर 25 mm का ये करना है, डाया 25 डीप, हाँ डाया 25 mm का व्यास काटना है, ठीक है, डाया 25 mm का ड्रिल करेंगे और कहाँ तक ड्रिल करेंगे, 40 mm डेप्थ तक ड्रिल करेंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है,
फिर देखिए अगर लिखा हुआ है m30 into 1.5 तो m से क्या हो गया, m से पता चल गया आपको मेट्रिक थ्रेड हो गया, ठीक है। थ्रेड का भी बहुत सारा टाइप होता है, थ्रेड मीन्स होता है चूड़ियाँ या घुन्नी, आप स्क्रू देखे होंगे उसमें जो घुन्नी कटा हुआ था उसी को हम लोग थ्रेड कहते हैं। तो थ्रेड बहुत तरह का होता है, वो आपको मैं ट्रेड जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। यहाँ समझिए कि एम थर्टी अगर इंटू 1.5 लिखा होता है इसका मतलब क्या है, एम का मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड होता है, ठीक है। 30 का मतलब हो गया डायमीटर, 30 एम का हम लोग डायमीटर का ड्रिल करेंगे, 1.5 एम का क्या हो गया पीच हो गया, तो 1.5 एम का पीच काटेंगे उसमें, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे, मेट्रिक थ्रेड 30 एम डीप और 1.5 एम का पीच। तो दोस्तों ये था आज का आपका वीडियोस जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी आइसोमेट्रिक फिगर को कैसे हम ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको दिखाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ इंजीनियरिंग सिंबल्स बताया जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में उसको कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को देखूंगा, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर कमेंट में नहीं दे पाया तो वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी ही मैं ट्रेड भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जो भी फिटर ट्रेड से, टर्नर ट्रेड से, मशीनिस्ट है या मैकेनिकल से हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल एजुकेशन आई क्यू को सब्सक्राइब कीजिए कि और बेल आइकन को दबाइए कि आने वाले हर एक वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।